अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बेसन का फेस पैक फॉर ग्लोइंग स्किन शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टेंट ग्लो देता है। और ये रेमेडी वाकई वर्क करती है, इसके लाइफ रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको बता देती हूँ, आपने वीडियो पूरी देखनी, बिल्कुल स्किप नहीं करनी, बिकॉज तमाम स्टेप अगर आप देखेंगे, सही फॉलो करेंगे, तो ही आपको इसके रिजल्ट हासिल होंगे। तो यहाँ पर एक क्लिप मैंने ऐड की थी, इसमें मैंने हैंड वॉश करके आपको दिखा रही हूँ। उस पैक को अप्लाई करने के बाद आपको मेरे दोनों हैंड्स में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा होगा। इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमने ले लेना बेसन। बेसन जो कि ऑयल रिड्यूस करता है स्किन से, तमाम स्किन टाइप के लिए बिल्कुल ठीक होता है, और सन टैन को लाइट करता है, एक्नी से फाइट करता है, एक्सप्लेट करता है आपकी स्किन को, ठीक है। इसके बाद ही साथ ही हमने ले लेनी हल्दी, जो कि स्पॉट को ट्रीट करती है, जो कि एंटी एजिंग के तौर पर भी काम करती है। इसके अलावा डार्क सर्कल्स को लाइट करती है और आपको देती है फ्लॉलेस स्किन। इसके अलावा आपकी स्किन को भी काफ़ी लाइट करती है आपकी टोन को। साथ ही ले लेंगे लेमन। मैंने 3 अदद लेमन ले लिए, चूँकि ये छोटे थे। ये एक्नी को हील करती है, जो इसके एक्नी के निशान होते हैं उनको कम करती है, और ब्लैक हेड्स को रिमूव करती है, डार्क स्पॉट्स होते हैं जो स्किन पर उनको लाइट करती है, ठीक है। तो हमने 3 लेमन ले लिए, और साथ ले लेंगे रोज़ वाटर। स्किन टोनर है और मूड एनहेंसर है, जो स्किन में पोर्स होते हैं उनको क्लीन करता है, मेकअप रिमूवर है, तो ओवरऑल आपकी स्किन की तमाम डस्ट को रिमूव करता है। तो ये तमाम चीज़ें बनानी कैसे, बिल्कुल आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, सब कुछ मैं बता रही हूँ इस वीडियो में। हमने ले लेने 3 बड़े चम्मच बेसन के, बिकॉज हम फेस के लिए, फीट के लिए, आर्म्स के लिए, जो ना नेक के लिए, बैक नेक के लिए बना रहे हैं। उसके बाद 1/2 चम्मच हमने ले लेना हल्दी का, ठीक है, जितना मैं ले रही हूँ। और अगर आपके पास बड़ा लेमन है तो एक ही काफ़ी है, मेरे पास छोटे थे और इनमें रस भी इतना नहीं होता, तो मैंने 3 लेमन ले लिए, जो कि मैं स्क्वीज़ कर चुकी हूँ। उसके बाद ऐड करेंगे अरके गुलाब। अरके गुलाब से ये रेमेडी प्रिपेयर होगी। इसको हमने इतना मतलब डालते रहना अरके गुलाब, थोड़ा थोड़ा उसके बाद मिक्स करते रहना, यहाँ तक कि ये बिल्कुल जो क्रीमी पेस्ट बन जाए, क्रीम की फॉर्म में आ जाए, जिसे आपको नज़र आ रहा। इसको मैंने काफ़ी मिक्स किया है। इसके बाद हम अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। हमने फेस पर, फीट पर, बाजुओं पर, नेक पर अप्लाई करना है। जस्ट इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने हैंड्स पर अप्लाई करके बता रही हूँ। उसके बाद इसे कितनी देर रखना है, कैसे वॉश करना है, वो सब भी इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं अपने हाथों की उंगलियों की मदद से अप्लाई कर रही हूँ। आप भी उंगलियों की मदद से अप्लाई कर लें, अपने फेस पर भी अपने सॉफ्ट हाथों से इस पैक को अप्लाई कर लेना, जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद अप्लाई करने के बाद आपने इसको 20 मिनट्स के लिए लीव कर देना कि ये ड्राई हो जाए। 20 मिनट्स से ज़्यादा बिल्कुल भी लीव नहीं करना। अगर आप ज़्यादा लीव करेंगे तो आपकी स्किन पर थोड़े से जैसे रेडनेस आने का खतरा होता है। अदरवाइज जिनकी स्किन सेंसिटिव होते हैं उनके लिए मेरी ये एडवाइस है, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता है। तो 20 मिनट्स हो गए और ये ड्राई भी हो चुका है। उसके बाद इसको हल्के हाथों से मसाज करते हुए मैंने इसको रिमूव करना, पानी हल्का हल्का डालूंगी, इसके बाद हल्के हाथों से मसाज करती जाऊंगी। यही आपने अमल अपने फेस के साथ करना कि हल्के हाथों से मसाज करते जाना, उसके बाद इसको आपने रिमूव करना, जिससे कि मैं कर रही हूँ। और जब इसको वॉश करूँगी आप देखिएगा लाइव रिजल्ट। आप चांद रात को ये अप्लाई करेगा तो अगले दिन ही आपको इसके बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। ईद वाले दिन आपको कोई भी महंगी क्रीमें वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद हैरान हूँ, मैं बिलीव नहीं करती थी रेमेडीज पर, बस इसको अप्लाई करने के बाद मैं काफ़ी खुश हूँ कि काफ़ी वर्किंग है, और होम रेमेडी घर की चीज़ों से, नेचुरल चीज़ों से तैयार की गई है। आप ये रिज़ल्ट देख लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको भी ऐसे रिज़ल्ट हासिल हो। मैंने और कुछ भी नहीं किया, जस्ट इस रेमेडी को अप्लाई किया, कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।